प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम जयेश पाटिल, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि हम जब ध्यान पे बैठते हैं तब थोड़ी देर बाद कभी कभी सांस धीमी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उस समय वैसे ही चालू रखनी चाहिए या कुछ मतलब अपनी तरफ से उसे करना चाहिए? आपने कहा जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं, ऐसे ही रखनी चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, यानी आप पूछ रहे हैं कि ऐसे ही रखनी चाहिए। आपने कहा जब हम ध्यान करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो सांसें धीमी हो जाती हैं, स्वयं हो जाती हैं, आप करते तो नहीं हैं, तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि ऐसे ही चालू रखनी चाहिए? जब आप अपनी ओर से यानी प्रयत्नपूर्वक जो कार्य नहीं कर रहे हैं ध्यान में, जो स्वमेव हो रहा है, तो उसके विषय में क्यों चिंतन करते हैं कि ऐसे ही रखनी चाहिए? तो क्या आप सोच रहे हैं कि तेज रखनी चाहिए, तेज सांसें? आप लंबी गहरी जी, लंबी गहरी सांस। देखिए ध्यान में जिस तरह की सांस चल रही है, चलने दें, उधर ध्यान न दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मार्ग होता है जो सांसों पर ही ध्यान करते हैं, ऐसा मार्ग तो नहीं है? नहीं नहीं हाँ फिर ठीक है कि कुछ ऐसा मार्ग है जो सांसों पर ध्यान करते हैं और सही ध्यान योग नहीं करते, मन को एकाग्र करते हैं। तो ध्यान के समय सही बात यही है कि सांसों की गति जो है कम होना चाहिए, धीरे धीरे सांसों से आवाज़ ना हो, धीरे धीरे, और थोड़ी दीर्घ सी होनी चाहिए, धीरे धीरे सुनाई ना दे। और गिनती भी जैसे एक मिनट में मान लो 10 बार सांस आप सामान्य अवस्था में ले रहे हैं, तो अगर 8 बार आ रही है तो एक अच्छी बात, धीमी के मतलब आप जो गिनती है कम हो जाएगी, श्वास थोड़ी दीर्घ जैसी हो जाएगी, ठीक है, तो एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि मन एकाग्र हो रहा है, मन लग रहा है, मन एक जगह मतलब ठहर रहा है, अच्छी बात है। श्वास पे ध्यान ना दे, जिस गति से वो चल रही है चलने दो। धीरे धीरे तो ऐसा होता है कि श्वास का पता ही नहीं लगता है, समाधि काल में तो पता नहीं लगता सांस चलती भी है कि नहीं चलती है, इतनी गति कम हो जाती, इतनी गति कम हो जाती है कि बहुत आगे चल के सांस को मतलब मालूम नहीं किया जा सकता है कि सांस हम ले भी रहा, यानी अभ्यासी ले रहा कि नहीं। इसलिए जो सामान्य अवस्था उसकी है, यानी जो ध्यान के समय, वो बनी रहने दो, आप उसकी ओर ध्यान ना दें, सिर्फ मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम किशोर मुटकुड़े है, मैं पुणे से हूँ, और मेरा प्रश्न जो है मेरे साधना से संबंधित है। साधना करते वक्त मुझे कुछ क्रियाएं होती है, उसमें कुछ काली माता की तरह मेरी मुद्रा होती है, ऐसे ऐसे करके, तो आउट ऑफ कंट्रोल होती है कभी कभी, यानी कि दोन महीने से यह क्रिया बंद सी हुई है, पर 1 साल से यह क्रिया हो रही है मुझे, तो इसे इसका अर्थ अच्छा है या बुरा है, और इसे कैसे रोके? आपका कोई मार्गदर्शक है? हाँ जी, था 2008 में मेरे गुरु थे, पर अच्छा, अभी स्थूल शरीर में नहीं है? नहीं है। अच्छा, पर अभी उस दिनों मैं अहमदनगर में था, पर अभी वहाँ नहीं जाता हूँ। अच्छा अच्छा, कभी उनसे पूछा? नहीं, यह क्रिया अभी 1 साल पहले अच्छा, से शुरू हो गई। आपके इष्ट कौन है? आप वैसे किसकी आराधना करते हैं, इष्ट किसे मानते हैं? शिव जी की आराधना करता हूँ, और मुझे ओम यह मंत्र दिया गया था जब मैं बैचलर। काली देवी को कभी याद करते हैं? जी नहीं, वही तो मैं कभी याद नहीं करता था। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने दिनों से साधना कर रहे हैं? सर करीब 2016 से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अभी। आपका प्राण कहाँ, कंठ तक जाता है क्या, महसूस होता? जी जी। देखो, जो आपने जो मुद्रा बताई है, जो ये क्रिया बताई है, सही है, क्रिया नहीं मुद्रा है, क्रियाएं गलत होती हैं, मुद्राएं सही होती हैं।
अगर हो रही है, जब कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती है, मुद्राएं ज़रूरी नहीं कि हों, और हो भी सकती हैं साधक के यानी संस्कारों के अनुसार होता है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि ये मुद्रा बुरी नहीं है, ये मुद्रा है, क्रिया नहीं है। क्रिया और मुद्रा दोनों फ़र्क है। मुद्राओं का कुछ न कुछ अर्थ होता है, क्रियाएं प्राणों की यानी गड़बड़ी है, गड़बड़ी यानी अशुद्धता के कारण उल्टे सीधे हाथ पैर चलना, चीखना चिल्लाना वगैरह क्रियाएं। मुद्राएं जो शास्त्र से सम्मत, शास्त्र से संबंधित हो, नहीं कहते शास्त्रीय तरीके से जो हो रहा हो होने दें, यानी जो प्रमाणिक चीज़ें हैं और हो रही हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के सही है। एक ठहर जाए, कंठ चक्र में 16 दल का कमल है और इन 16 दल के कमल में 16 दिव्य शक्तियाँ, और वो अगर उच्चारण करें तो स्त्री से ही संबंधित उच्चारण हो, यानी पुरुषों से, यानी देवता ना होकर के देवियाँ, स्त्रियाँ यानी देवियाँ, देवियों से संबंधित हर एक पंखुड़ी में विराजमान है। तो हो सकता है कि आपका प्राणवायु बारीकी से देखूं उस पंखुड़ी को, हालांकि अभी खिला ही नहीं है, तो यानी उस जगह को प्रभावित करता हूँ, अर्थात या ना भी हो तो यहाँ पर विशेष प्रकार की कुछ मुद्राएं होती हैं, तो हम गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ना हो, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं जी बाहर निकली है, उचित सा नहीं है, लेकिन होती हैं तो हम बुरा नहीं कहेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.